2017 में बहुजन समाज पार्टी 2 सीट जीती है। दूसरा कारण ये है कि एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ थी और जो अपर कास्ट वोट है या ओबीसी वोट है या मुस्लिम वोट है वो इनको नहीं मिले, और जो शेड्यूल कास्ट वोटर्स थे वो डिवाइड हो गए विभिन्न कैंडिडेट्स में, और दूसरे जो नॉन रिजर्व वोटर्स हैं कम्युनिटी से संबंधित वोटर्स हैं उनका वोट इनको मिला नहीं, तो इसलिए कैंडिडेट फेल हो गए, वो पास नहीं हो पाए, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, यही कारण है उसको। कारण सर 2022 में जिस तरह से प्रचार होना शुरू हो गया है और एक वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को डिवाइड करने के, कहीं जिन्ना निकल आते हैं, कहीं CAA निकल आता है, तो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है, इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहेगा, किस तरह से लड़ेगी वो, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी का जहाँ तक सवाल है वो एक दूसरे के पूरक है। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई स्टेटमेंट देती है उसका लाभ उठाने की कोशिश ओवैसी करते हैं, ओवैसी जो बोलते हैं तो उसका लाभ उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है, तो वो तो मिले जुले हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, वो अलग नहीं है, तो उनके बयानों को उसी नज़रिए से देखिए। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म के और समुदाय विशेष की राजनीति नहीं करती, वो सबको साथ लेके चलती है, जो उनके लिए कोई अछूत नहीं है। बहुत से पार्टी के ऐसे लोग हैं वो समुदाय विशेष का अपना समर्थन रखते हैं और उसके विरोध में भी अगर कोई होता है तो उसकी परवाह नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सभी समुदाय और सभी धर्म को साथ लेके चलती है, और यही वजह है कि आज तक हमेशा अपनी नीति के ऊपर अड़ी। सर लास्ट क्वेश्चन है, अरुण गांधी जिस तरह से किसानों की वरुण गांधी जो है जिस तरह से किसानों के साथ में आया, उन्होंने शहीद बताया और हमेशा किसानों के साथ में खड़े रहते, कहीं ना कहीं उनका रुझान बीजेपी से ख़त्म हो रहा है और आपकी पार्टी की तरफ बढ़ने के लिए, इसमें कि अगर वो आते हैं तो आप उनको वेलकम करेंगे? देखिए, वरुण गांधी किसानों के बारे में खुल के बोल रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है उसके विपरीत रुख पर वो अपने बयान दे रहे हैं, और लोगों का अंदाज है कि भारतीय जनता पार्टी से छोड़ रहे हैं, कांग्रेस में आ रहे हैं, तो इस पे तो निर्णय है। मैं समझता हूँ कि हमारा हाईकमांड जो दिल्ली में बैठे हुए विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सोनिया गांधी वही निर्णय लेंगे, उसके अलावा नहीं कह रहे।